पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ते वृद्धि के बीच जहां केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर लोगों को राहत दी है, वहीं अलग अलग स्टेट के सरकार भी अपनी जनता को राहत दे रही है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने वैट पर 30% जो वैट चला रहा था उसे कम करते हुए 19.40% कर दिया है। एक बड़ी फैसला जो है दिल्ली सरकार ने किया है। अगर हम बात करें दिल्ली सरकार के इस निर्णय के बाद झारखंड में भी, झारखंड की जनता चाहने लगी है कि यहाँ की सरकार भी जो है वो वैट कम करके राहत दे, जिस तरह से दिल्ली की सरकार ने राहत दी है। 30% जो वैट था उसे कम करके दिल्ली सरकार ने 19% कर दिया है। क्या चाहेंगे आप झारखंड की जनता सरकार से? दिल्ली सरकार भी अब कम कर दिया है रेट, वहाँ भी पेट्रोल का दाम अब कम हो गया है। अब झारखंड में हेमंत सरकार से क्या चाहते हैं? हम लोग भी चाहते हैं कि कम हो जाए, और क्या चाहें। तो झारखंड की भी जनता चाह रही है कि दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली सरकार ने रेट कम किया है, झारखंड में भी रेट कम हो। दिल्ली सरकार ने जो है अपना वैट कम कर दिया है, केंद्र सरकार ने भी एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी। अब आप लोग झारखंड सरकार से क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि यहाँ पर रेट कम हो, बहुत ज़्यादा पेट्रोल का रेट है, आम जनता के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। हर दिन हम लोग जैसे हर डे मार्केटिंग का काम करते हैं, पर डे 100-150 का पेट्रोल ही जल जाता है। तो कमाई हम लोग का कम हो गया लेकिन खर्चा ज़्यादा हो गया। मांग भी हो रही है, बीजेपी भी मांग कर रही है सरकार से कि रेट वैट अब कम करे सरकार, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। देना चाहिए ध्यान से, सिर्फ वोट मांगने से हम ध्यान देता है, अभी कुछ ध्यान नहीं है। हेमंत सरकार सक्सेस सरकार नहीं है और परेशानी नहीं डाल रहा है। जनता क्या कर सकता है, जनता कुछ नहीं कर सकता, जैसे चल रहा है चल रहा है। भगवान लोग बोल ही सकते हैं, बोल के भी कुछ फायदा नहीं है। सुना आपने कि झारखंड की जनता भी चाहती है कि रेट जो है वैट कम करे झारखंड सरकार, और कहीं ना कहीं जनता में ये रोष भी बना हुआ है कि जिस तरह से विभिन्न राज्य जो है वैट कम कर रहे हैं, जो अपनी जनता को राहत दे रहे हैं, और झारखंड सरकार में अब तक इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं नाराजगी जनता को उस पर देखने को मिल रही है। आपने अभी सुना कि किस तरह से जनता चाहती है कि वैट कम हो। पेट्रोल पर वैट लगता था, दिल्ली सरकार केजरीवाल सरकार ने कम कर दिया। अब आप लोग झारखंड सरकार से क्या चाहते हैं? काम करना चाहिए, पब्लिक को सुविधा देना चाहिए, जैसे और प्रांत में दिया गया है यहाँ भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ कम नहीं कर रहा, आखिर करेगा हम लोग मिलेंगे कराएंगे। तो झारखंड की भी जनता पूरी तरह से आस लगाई हुई है कि हेमंत सरकार भी है जो वो वैट कम करे, ताकि झारखंड की जनता को भी राहत मिले। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने वैट कम कर दिया है, जो दिल्ली सरकार की पिछली वैट थी वो 30% थी, अब जो है वो घटा करके उसे 19.40% कर दिया गया है। काफ़ी राहत दिल्ली की जनता को मिली है और झारखंड की जनता भी यही चाहती है। क्या चाहते हैं पेट्रोल के दाम पर झारखंड सरकार अपने वैट कम करे? हाँ, कम करे कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो झारखंड की जनता भी लगातार गुहार लगा रही है कि सरकार जो है वो रेट कम करे, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी झारखंड में इस मांग को लेकर के लगातार आंदोलन करती नजर आ रही है कि जो जिस तरह से बीजेपी शासित राज्य के साथ साथ कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने वैट को कम करके जनता को राहत दी है, झारखंड में भी हेमंत सरकार जल्द से जल्द वैट कम करे और जनता को राहत दे। अब देखने वाली बात होगी कि हेमंत सरकार इस ओर कब तक कदम बढ़ाती है, कब तक झारखंड की जनता को इस बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम से राहत दे पाती है। न्यूज विंग के लिए रांची से रवि संगी। ग्रीडी इज अ स्मॉल प्लेस एंड वी हैव लाइक वेरी लेस फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ यू नो एजुकेशन एंड दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इट केम टू आवर माइंड दैट बेसिकली देयर शुड बी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रीडी, those who are leaving the town and going outside for, you know, studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So
So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, you know, this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. Whitehead Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, Whitehead is actually leading, you know, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.